वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे वाकरंजी शेयर के बारे में, जिससे एक नई न्यूज निकल के सामने आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा है और आगे के टारगेट क्या सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके हिसाब से अभी भी वहीं पे सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है, तो आप फिर से एंटर करना चाहे तो एंटर कर सकते हैं और जो पहले से जो टारगेट बताया था उसी के आसपास से वापस शेयर में एक मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि आज का जो क्लोजिंग था वो 40.15 जो NSE पे था, इसका डिलीवरी देखें तो कारोबार एक दो दिन से थोड़ा कम हो रहा है और यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन भी आया है। जो 27 सितंबर के आसपास से देखें तो 42.20 का क्लोजिंग था, जो तेज़ी आई थी। लेकिन दोस्तों, इसका जो बिजनेस है बहुत ही दमदार और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आया है और आगे जो इनका प्लान है वो भी बहुत ही शानदार है। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर, वो बहुत ही शानदार इसका बिजनेस मॉडल मैंने उसमें बताया है, जिसका बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, और उनके आगे का जो प्लान है मैंने उस पर बारे में भी पूरा डिटेल से बताया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अपडेट्स निकल कर सामने आई है, उसके कारण प्राइस पे अपडेट्स देख लेते। पहले अपडेट्स क्या है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन October 9, 2021। तो चलिए दोस्तों, इसके PDF में चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये 1 अक्टूबर का यह PDF है वाकरंजी लिमिटेड का। यहाँ पे इन्होंने क्या है, जो बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं 9 अक्टूबर के दिन, तो यहाँ देख सकते हैं 9 अक्टूबर के दिन ये बोर्ड मीटिंग किस कारण के लिए, तो यहाँ पे बताया द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी कमेंस्ड, कंपनी विल बी हेल्ड ऑन Saturday, October 9, 2021 टू कंसिडर एंड अप्रूव अनऑडिटेड स्टैंड अलोन अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड September 30, 2021। यानी जो हाफ ईयरली रिजल्ट होती है और जो स्टैंड अलोन और जो कंसोलिडेटेड जो क्वार्टर टू का रिजल्ट होता है FY 2022 के लिए, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आएगा वो रिलीज करने वाले October 9 को। इसके लिए बोर्ड का मीटिंग का डायरेक्टर जो भी होता है उनका जो मीटिंग होगा और उसमें अप्रूव करेंगे जो अनऑडिटेड रिजल्ट होता है उसके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्ट डेट आ गया है और आपको इस डेट को मार करके रखना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए डेट बहुत ही खास है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा तो प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस पे देखना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप आराम से जो भी शेयर प्राइस का पैटर्न है वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। न्यूज़ बेस्ड या कुछ भी हो, टेक्निकल्स में आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो टेक्निकल्स में आपको लेवल्स पे कौन कौन से लेवल्स हैं, देखिए सुपर ट्रेंड के हिसाब से 36.73, जो अगर आप बहुत लंबे टर्म के निवेशक हैं तो 36.73 को आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो अभी सारे एवरेजेस से ये नीचे चल रहा है, और अगर यहाँ से जो मैं पहले ही बताया था कि जो 100 DMA और 200 DMA है वहाँ पे आप देख सकते हो 42 और 43, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको अलग अलग टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ इंडिकेटर में नहीं जाऊँगा क्योंकि इंडिकेटर या तो न्यूट्रल है, मैक्सिमम यहाँ पर न्यूट्रल होगा और निगेटिव होगा, क्योंकि इस शेयर बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी कोई शेयर कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पे RSI और जितने जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो न्यूट्रल हो जाते हैं या फिर निगेटिव शो होने लगते हैं, क्योंकि उसमें कोई मोमेंटम रहता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्राइस में दिखाता हूँ। प्राइस में देखिए 1 ईयर का चार्ट है। 1 ईयर के चार्ट में क्या है कि 1 ईयर का जो लो है वो 26 है और 1 ईयर का हाई 69.85 है, तो वहाँ से करेक्शन बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 30 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से 40 रुपये के आसपास, लेकिन जो सबसे मेन सपोर्ट जोन है आप देख सकते हैं 40 रुपीज़ के आसपास है। शेयर यहाँ पे 3, 4, 5 बार सपोर्ट ले चुका है और आपको इसी से पता चलता है कितना अच्छा सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये इसका सपोर्ट जोन, देखिए कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट जोन यहाँ से आ गया, कितनी बार बाउंस बैक किया। तो इसका सपोर्ट जोन है, आप इसके लिए पहला टारगेट 50 रुपीज़ का सेट कर सकते हैं और दूसरा टारगेट है देख सकते हैं 55 से लेकर आप 55 के ऊपर तक का सेट कर सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेट 62 यहाँ पर देखिए आपको 62 रुपये के टारगेट यहाँ पर आपको देखने का सेट कर सकते हैं। तो ये 3 टारगेट इसके रहेंगे अपर साइड में, और लोअर साइड में आपको बता दिया 36 रुपीज़ के आसपास आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरफ
सेट कर सकते हैं, या फिर आप 30 रुपीज़ के आसपास वो भी सेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस, जो कि मुझे नहीं लगता आने वाला, क्योंकि कंपनी एक बहुत ही अच्छे बिजनेस में एंटर कर चुके और अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा है। दोस्तों ऐसे ही आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं अलग अलग न्यूज़ से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।